स्वस्ति श्री गुरुनानको विजयते वंदे सद्गुरु नानके ममरते स्थायस्व माम नानकः दास सद्गुरु नानके ममरते स्थायस्व माम नानकः पूज्य प्रातः स्मरणीय शब्दावतार गुरु ग्रंथ साहिब जी के दरबार में उपस्थित वंदे महापुरुष के चरणारविंद। अब जो अपने श्रवण किया अभी तक सुबह से लेके बहुत देर तक आप सत्संग सुन रहे हैं, जहां तेजासिंह जी महाराज समाप्त करके गए वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। याद है कुछ अब तक आपने जो श्रवण किया, कुछ याद है? क्या क्या याद है? क्या गांठ बांध के रखा? अब महाराज जी द्वापर की कथा सुना के गए कौरव पांडव को। गुरु ने कहा दो बातें याद रखना, सच्चाई और धर्म, इसी के आधार पर जीवन चलाना, और बाकी घटना को आपने सुना। मैं कलिजुग की बात बता रहा हूँ, अभी 50-100 साल पहले की बात है, 50 साल पहले की बात है। संत बैठे थे तो संत के पास एक सज्जन आए, संगत आती रहती है, प्रेमी आते रहते हैं, महाराज जी मैनू चेला बनाओ। आजकल यही होता है, अच्छे संत देखे तो मेरे को चेला बनाओ। संत ने माना किया, भाई ऐसे में चेला मिला नहीं बनाता, बहुत कठिन है। वो पीछे पड़ गया लगातार, महाराज जी मेरे को चेला बनाओ, शिष्य बनाओ। माना करते करते संत थक गए। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, वृंदावन के अखंडानंद जी महाराज। उन्होंने अंत में कहा ठीक है भाई, शिष्य तो बनाऊंगा तेरे को, पर कुछ नियम है, तू मान के चलेगा? कहा आप गुरु होंगे और आपको मान के मैं नहीं चलूंगा। आप हुक्म करो, जो कहोगे मैं मान लूंगा। कर देख तेरे को मैं चेला बनाता हूं, तीन बातें ध्यान रखना, याद रखना तीन चीजें। क्या? पहली बात तो यह है सच बोलना, दूसरी बात है चोरी नहीं करना, और तीसरी बात यह है परस्त्री में दृष्टि नहीं डालना। बस तीन ही बात है, सच बोलना, चोरी नहीं करना, परस्त्री पे दृष्टि नहीं डालना। उसने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, और झूठ बोलना चोरी करना तो जीवन में सुना ही नहीं, कभी किया ही नहीं। महाराज जी ने दीक्षा दे दी, वो चला गया। एक साल बाद वो फिर आया गुरु पूजा करने के लिए, कुछ मुरझा हुआ सा। संत ने कहा क्यों, क्या बात है? कमरा जी आपने जो तीन नियम बताया उसमें पहला नियम पालन करना बहुत कठिन है, वो क्या है? सच बोलना। सच बोले बिना मैं अपना बिजनेस कैसे चलाऊं? संत ने सोचा तो ठीक है, जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए थोड़ा बहुत झूठ छोड़ो, ठीक है। तो पहला नियम तेरे को मैंने छोड़ दिया, पर चोरी नहीं करना, पर स्त्री पे दृष्टि नहीं डालना। जी महाराज जी ठीक है। एक साल बाद फिर आया, फिर वही हालत है, सिर झुका के बैठा। क्या हुआ भाई? तो कहने लगा महाराज ये दूसरा नियम है ना, चोरी नहीं करना। अब तुझे ये दसो
इनकम टैक्स चोरी की है बिना सेवा की नौकरी है। इनकम टैक्स पे चोरी करना ही पड़ता महाराज जी, नहीं तो आपकी सेवा मैं कैसे करूं। संत ने देखा पहला नियम छोड़ दिया, झूठ बोलने के लिए अलाउ कर दिया इसको, और दूसरा नियम इनकम टैक्स चोरी करना ये भी छोड़ दो, और तीसरा नियम है वो भी ये कहे महाराज जी इसको भी छुड़ा दो तो दिक्कत आएगी। तो संत ने एक वचन कहा, उसको घाट में बांध लो, सत्संग में आना सफल हो जाएगा। संत ने कहा ले तेरे को मैं तीनों नियम से छुटकारा दे दिया, पर एक बात ध्यान रखना, वो क्या है, जानबूझकर किसी को दुखी नहीं करना। बस एक ही नियम है, जानबूझकर किसी को दुख नहीं देना। इतने मात्र से सत्संग में आना और श्रवण करना ही सफल हो जाएगा। उसने मान लिया, उसका जीवन बदल गया। अब ये छोटी सी बात जान बूझ के किसी को दुख नहीं देना, इनके पीछे तीन शब्द और है। क्या ये हम कैसे कर सकते हैं किसी को दुख नहीं देना? अब मान लो कि बड़े आदमी आ गए, अब खड़े होकर उनको सम्मान नहीं दिया, ये तो उनको दुख देना है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है, महापुरुष आए है। तो तीन बातें इसे पीछे छिपी है, सम्मान, सुविधा और स्नेह। ससा है ना सकार, तीन सम्मान सुविधा और स्नेह, ये तीन चीजें देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। दुनिया से कहीं से सम्मान की आशा नहीं करना। अपने को अगर असुविधा हो, दिक्कत हो, दूसरों को सुख पहुंचाना। हमने देखा आजकल के नौजवान जो है ट्रेन में बस में बड़े बूढ़ों के लिए सीट नहीं छोड़ते। सम्मान सुविधा और स्नेह देने के लिए, प्रेम, प्रेम खाली अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, सबके लिए प्रेम बढ़ता। सम्मान सुविधा और स्नेह, ये तीन चीज देने के लिए है, लेने के लिए नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, मैं इसलिए इसको उठाया, ये तीन चीजें मैंने देखी मौनी जी ने, दूसरे को सम्मान देते हैं, बहुत सम्मान दिया सबको, जब मिलते थे बहुत सम्मान देते थे, सुविधा आके पूछते थे हरिद्वार में महाराज जी की चलिए, और स्नेह तो पूछो ही मत, गले में लगा देते थे, इतना प्रेम था। सम्मान सुविधा और स्नेह, ये तीन चीज देने के लिए है, लेने के लिए नहीं, ये सिखा के गए जगदेव सिंह जी महाराज जी। गांठ मार लो, जानबूझ के किसी को दुख नहीं देना, इसका मतलब है सम्मान सुविधा और प्रेम आशा नहीं करना, देते रहे सब, जीवन सफल हो जाएगा, सत्संग में आना सफल हो जाएगा, और ये श्रवण करना भी सफल हो जाएगा। साथ साथ जैसे कह रहे थे अपने हिसाब से सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, इतना याद करके घर जाना, यहाँ आना साथ साथ हो जाएगा। ओम।